हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राव ब्लॉग की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों सुबह के बज चुके साथ और मैं नागो के हो चुका हूँ रेडी, क्योंकि लंबा टूर है और आज हमें पार्टी में भी जाना है, दो तीन काम भी है, इसलिए मैं जल्दी तैयार हो गया और हमें अभी सामान लेके जाना है हमें जमुना पार की तरफ। तो मेरे को बीच रास्ते में मिलेंगे राजेंद्र भाई, तो हम पहले फटाफट चल लेते हैं। तो दोस्तों अभी तो बच्चे लोग सब सो रहे हैं और नितिन राव जी तो घूम कर चला गया है, तो रेडी। दोस्तों मैं अपनी बाइक को कब अपनी बाइक पे सामान वामान बांध लेता और ये भी उड़ चुके हैं और ये अभी बना रहे हैं चाय, चाय पिलाएंगे मुझे, तो मैं तब तक अपनी बाइक को खोल लेता हूँ और नीचे अपना सामान जो है उसको पैक करता, तो चलता हूँ गाइस उठा लेता ये चाय भी और चलता हूँ मैं नीचे की तरफ और एक बार गेट खोल लेता हूँ। नीचे का गेट खुल गया, तो दोस्तों यहाँ पर रखा मेरा ये सामान, ये पेटी बांध रहे बहुत हल्का है और अभी मैं उसको उठा के इसको पूरा पेटी वेटी बांध देता हूँ बाइक पे, सामान पेटी रखा है। अब हम आ चुके हैं सुबह बाईपास पे और राजेंद्र भाई का इंतजार कर रहे हैं, अभी पहुंचने वाला है 10-15 मिनट के अंदर अंदर। इसमें देखो कड़ाके की धूप लगी और रात को बहुत ही बारिश हुई, मुझे लग रहा है बारिश से पूरा पानी पानी भरा हो गया। तो ये है दोस्तों सुबह सुबह का मौसम, 7:30 बजे का मौसम देखिए कैसा बना, और रात को बारिश हो रही थी। राजेंद्र भाई भी पहुंच चुके हैं और अब निकलते हैं यहाँ से, अब मैंने पेटी वेटी खोल दी बांध दी थी जो, तो बाईपास में राजेंद्र भाई ये पहुंच चुके हैं बिजली वाले भाई, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सर भवन नगर के पास और स्कूल पहुँच के, अब सुबह का टाइम है, हम लोग 8:15 बज चुके हैं, तो अभी दोस्तों स्कूल खुली नहीं है, तो दोस्त जी पता नहीं कितनी दिन बातें हैं, तो खुला था यहाँ पर, बंदा अंदर ही था हमें पता नहीं चला और ये खुल गया यहाँ पर, तो बंदा अंदर ही था, भाई ने खोल दिया है। देखो अभी काम चल रहा है स्कूल में, पर स्कूल में काम चल रहा है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर पे, अब मेरे को बहुत तेज भूख लगी क्योंकि सुबह से खाया नहीं था ना, मैं सुबह 6:30 बजे का उठा होता था, जल्दी पहुँच गया था, तो अब खाने में बनाए यहाँ लंच में बनाए यहाँ पर दाल चावल और खीरा भी आ चुके हैं, तो अभी दिन के बज चुके हैं 2:15, तो अभी पार्टी में भी जाना है, कल भी जाना है, देखिए अभी तक कैमरे का काम होना है, अभी तो 2 ही कैमरे इंस्टॉल हुए हैं, तारे डाले बिजली वाला, फिर दूसरी जगह भी लगाने, तो गाइस बाहर धूप लगी थी, अब मौसम ऐसा हो गया जैसे बारिश का मौसम सा बन गया है बाहर, तो देखते हैं थोड़ी देर में क्या पता बारिश आ जाए, तो गाइस खाना खा लेते हैं फिर हम। दोस्तों हम आ चुके हैं घर पे और नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, अब मैडम जी भी हमारी तैयार हो चुकी है, अब जाने जरूर काफ़ी लेट हो गया आज 6 बजे क्योंकि लेट आए ना, मैंने एक जगह और जाना था, 4 कैमरे और लगने थे, मगर मैं इनको छोड़ जाऊँगा वहाँ कैमरा का पंचिंग पुंचिंग कर लूँगा अगर टाइम मिलेगा तो, पहले हम चलते हैं जहाँ शादी हो रही है वहाँ पर चलते हैं, वहाँ कीर्तन शुरू हो गया होगा, काफ़ी लेट भी हो चुका है, तो एक बार देखते हैं क्या पता समाप्ति की ओर जा रहा होगा, फिर भी देख के आ जाते हैं, मिल के आ जाते हैं। दोस्तों इस समय हम पार्टी में आ चुके हैं और आज यहाँ पर मेहंदी की रात, मेहंदी लगेगी दुल्हन पे और कीर्तन मंडल कीर्तन चल रहा है पीछे की तरफ, और इस समय हमारे पास आ चुकी है पकौड़ी, तो हम पकौड़ी खा रहे हैं इस समय, पानी उनी हमने पी लिया, गर्मी देखो कितनी हो रही है, पसीना बहुत हो रहा है माथे पे, तो पीछे दिखाता हूँ बैकग्राउंड में आपको। तो दोस्तों यहाँ पर चल रही कीर्तन चल रहा है यहाँ पर, ये देखिए सब इस समय नाश्ता चल रहा है, शाम के टाइम है नाश्ते में व्यस्त है सब, ये देखिए दोस्तों इधर चल रहा है खाना पीने की व्यवस्था चल रही है इधर, और इधर चाय नाश्ता चल रहा है, इधर हलवाई वाले भाई सब लगे हैं टमाटर टमाटर काट रहे हैं फर्स्ट क्लास तरीके से, भाजी क्या क्या बना रहा है रात के डिनर के लिए, गोभी छोले और उसके साथ चावल पूड़ी, तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था चल रही है, देखिए अभी हलवाई साहब जी यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, भगवान घूमने यहाँ पर टमाटर टमाटर लगे, तो अभी इधर कीर्तन मंडली चल रही है और हमारे अंकल जी भी हमें मिल चुके हैं यहाँ पर, देखो हमारे अंकल जी हमें ना हमारे मकान मालिक थे, ये मैंने पहले भी दिखाया मगर ये हमें फोन नहीं करा, यहाँ पर आके इन्होंने घर के पास आके फोन नहीं करा, इन्होंने अपने खाने में व्यस्त हो रखे हैं और मजे से, आज में हमारे कन्याल जी भी हमें मिल चुके हैं, कन्याल जी तो बाहर से विदेश से अभी फिर अभी आए, फिर चल भाग जाएंगे, इनके तो दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं, ये तो मिलते नहीं है। तो दोस्तों मैं थोड़ी देर यहाँ पर रहूँगा, अभी मैं सोच रहा मैंने 4 कैमरे लगाने तो वहाँ जाना मुझे, यहाँ पर कीर्तन चल रहा है पीछे की तरफ, तो आप सुन ही रहे होंगे वहाँ पर कीर्तन मंडली के ढोलक वोलक चल रहे होंगे।
तो दोस्तों अभी यहाँ से हम निकल चुके हैं इस समय और अब जा रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा कैमरा लगाने के लिए और देखते हैं भाई यहाँ पर फोन तो बिजी जा रहा है पर मिल के आते एक बार। दोस्तों यहाँ पर हो चुका हमने ये देखिए पंच कर दिया, डीलिंग की तरह कनेक्टर लगा दिया इन पे और यहाँ पर हमारा पीओएस लगेगा। ये देखो अभी यहाँ पर 5 कैमरों का पंचिंग हो गया, अभी अंदर करना है, अभी बाहर के कैमरे के देखिए थोड़े से। और भाभी जी भी मेरे साथ यहाँ पर काम सीख रहे। भाभी भाभी अच्छा लग रहा है? और भाभी हमारे चंद्रपदनी की तरफ के हैं। ये देखो भाभी भी मेरे साथ खड़ी है और हम दोनों आदमी को गप्पे सप्पे मार रहे हैं। भाई साहब वगैरह सब पार्टी में गए और भाभी को अकेला छोड़ दिया है यहाँ पर। भाभी को लेके नहीं गए, भाभी ने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, आप बर्थडे पार्टी में जा रहे थे ना, तो भाभी मेरे साथ रही। यहाँ पर घर पे कोई था नहीं तो इसलिए हम दोनों आदमी यहाँ पर हैं। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, भाभी के साथ खूब गप्पे मार रहे हैं हम फर्स्ट क्लास तरीके से। तो अभी हमारे यहाँ पर काम हो रहा, फिर मुझे यहाँ से वही पार्टी में जाना है और पार्टी से फिर अपने घर उनको लेके। तो अभी थोड़ा सा काम हो रहा है, कर लेते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं घर पर और शाम के रात के बज चुके हैं 8:10 हो गए हैं और खाने में बोला उन्होंने वहाँ पर खाना भी था, खाना पीना वहाँ पार्टी थी। तब बच्चे लोग तो मना करे, देखो अपने लिए देखा क्या क्या बोलते, सो स्टिंग लाते हैं डेली पीते रहते हैं स्टिंग से। ये देखो ये तो मस्त हो गया। तो अब जा तो कोई नहीं रहा, करे घर पर बनाएंगे। तो अब तो आ चुके, अभी थोड़ा सा हाथ मुँह धो लेते पहले। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।